सबूत के मामले में लगातार नई बातों का खुलासा हो रहा है। केस की जांच में सीबीआई और ईडी तेजी से अपना काम कर रही है। पिछले दिनों दोनों पक्षों की ओर से कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के आदान प्रदान को लेकर नई बातें सामने आई थी। इस कड़ी में अब सुशांत के पिता के सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती को किए गए मैसेज भी सामने आए हैं। ये मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को किया था, जिसमें वे बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। सुशांत के पिता ने लिखा है, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो तुम बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये मैसेज 29 नवंबर को रिया को भेजा गया था। वहीं 29 नवंबर को ही एक मैसेज सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वे अभी किस स्थिति में इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बस बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो। इन मैसेजेस से पता लगता है कि सुशांत के पिता अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित थे। वे बेटे की परेशानी को लेकर रिया और श्रुति से बात करना चाहते थे, जबकि रिया और श्रुति दोनों ही उनके कॉल्स और मैसेजेस को अनदेखा करती रहीं। सुशांत के पिता ने बेटे की मौत से कुछ महीने पहले एक बार और मुंबई पुलिस से संपर्क किया था। वे बेटे के साथ कुछ गलत होने की आशंका जता रहे थे। SPN9 न्यूज रूम से शालिजा की रिपोर्ट।